हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम डेट की बात करें, 31 मार्च 2024 है। तो विजुअल आप देख सकते हो संगलदान रेलवे स्टेशन का। तो अभी यहाँ पे आपको दिख रही होगी एक ट्रेन यहीं पे खड़ी है, क्योंकि आज जो है संडे था, इसलिए संडे वाले दिन जो है यहाँ से एक ही ट्रेन जाती है डेली। तो ये जो है ट्रेन ये जाएगी सुबह मॉर्निंग में, कल जाएगी। बाकी हम आज बात करने वाले हैं संगलदान रेलवे स्टेशन के अंदर कितना सारा काम वगैरह हो चुका है और कितना सारा काम बाकी है, और साथ में हम ये भी बात करने वाले हैं ट्रेन टाइमिंग को लेके, टाइमिंग का जो शेड्यूल है वो चेंज हो चुका है। तो ये आप ये देख सकते हो फुल संगलदान रेलवे स्टेशन का। बाकी अभी यहाँ पे लेबर्स वगैरह लगी रहती है कंटिन्यूसली, जो काम वगैरह कर रहे हैं, और साथ में आप बोर्ड भी देख सकते हो संगलदान रेलवे स्टेशन का, तो ये आप चेक कर सकते हो। और हम प्लेटफॉर्म की बात करें तो प्लेटफॉर्म पर जो है मिनिमम काम वगैरह हो चुका है, थोड़ा बहुत काम जो है वो अभी बाकी है, उसमें भी कंटिन्यूसली लेबर वगैरह लगी हुई है, काम वगैरह कर रही है। और साथ में यहाँ पे आप स्टेशन बिल्डिंग के फ्रंट साइड में देख सकते हो, यहाँ पे ग्रिलिंग वगैरह का काम जो है वो चल रहा है। अब हम टाइमिंग की बात करें, पहले जो टाइमिंग थी, अब जो है टाइमिंग का शेड्यूल जो है वो चेंज हो चुका है। फर्स्ट ट्रेन जो है संगलदान से बारामूला के लिए जो जाएगी वो 6:50 पर जाएगी अभी कल से, और जो पहली ट्रेन जाती थी वो 7:25 पर जाती थी, अब वो नहीं जाएगी। बाकी बहुत सारे लोगों को बताना ये ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा मत समझिए आपकी पुराने वाले टाइम पे ही ट्रेन जाएगी, क्योंकि 1 अप्रैल 2024 से जो है ट्रेन का टाइमिंग जो है वो चेंज हो चुका है। पहली ट्रेन जो है 6:50 पर जाएगी, और सेकंड ट्रेन जो 2:20 पर जाती थी वो अभी जाएगी यहाँ पे 1:55 पे, 1:55 पे। और बारामूला से संगलदान के लिए जो ट्रेन पहले ही निकल रही है वो निकल रही है 9:15 पे, और सेकंड जो ट्रेन है बारामूला से संगलदान के लिए जो आएगी वो जाएगी 2:10 पे। तो बाकी आप ये देख सकते हो संगलदान रेलवे स्टेशन का। बाकी हम रेट्स की बात करें, रेट्स में भी बहुत सारा डिस्टेंस आया है। पहले जो है यहाँ से संगलदान से बारामूला के लिए की हम बात करें तो 75 रुपीज़ था, और आज की डेट की हम बात करें संगलदान टू बारामूला जो प्राइस है टिकट का वो ओनली फ्रॉम 40 से 50 रुपीज़ है। बाकी हम संगलदान से बहनाल की हम बात करें तो 15 रुपये है टिकट का चार्ज है, और संगलदान से श्रीनगर की हम बात करें तो पहले की हम बात करें तो 60 रुपीज़ था, आज की हम बात करें तो ओनली 30 रुपये है। बाकी संगलदान से अनंतनाग की हम बात करें तो सिर्फ 25 रुपये किराया है। बाकी आप देख सकते हो वे, बाकी किसी ने सही बात की है कि ट्रेन आपका इंतज़ार नहीं करेगी, आपको जो है ट्रेन का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये आप वे चेक कर सकते हो संगलदान रेलवे स्टेशन का अभी ट्रैक। बाकी ट्रेन यहाँ पे अभी ट्रेन अभी यहाँ पे रुकी हुई है। बाकी आप आगे का भी विजुअल देख सकते हो। बाकी अगर आप मेरी वीडियो पे न्यू हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सागर कंस्ट्रक्शन को फॉलो करना ना भूलिए। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, हम आपको लेटेस्ट अपडेट देंगे संगलदान रेलवे स्टेशन का। तो अभी बाकी हम बात करें, यहाँ पे ग्रिल वगैरह का काम जो है प्लेटफॉर्म पे भी चल रहा है, अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत काम अभी बाकी है। बाकी हम बात करें लिफ्ट की, तो बहुत सारे पैसेंजर वगैरह ऐसे भी आते हैं, पेशेंट्स वगैरह आते हैं, उसमें सीनियर सिटीज़न वगैरह भी होते हैं, तो उनको जो है स्टेयर से चढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत वगैरह आ रही है। बहुत सारे लोगों के ये भी कमेंट आ रहे हैं, भाई ये लिफ्ट का काम जो है कब तक कंप्लीट हो जाएगा। भाई लिफ्ट का अभी यहाँ पे काम वगैरह स्टार्ट नहीं हुआ है, बाकी लिफ्ट का बना हुआ है, एरिया सारा बना हुआ है, बाकी अभी काम वगैरह स्टार्ट नहीं हुआ है इसका लिफ्ट का। तो बहुत ही जल्दी में भी ये भी काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। बाकी वीडियो पे न्यू हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सागर कंस्ट्रक्शन को फॉलो करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने